मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और मोदी जी आप भी यूट्यूबर में हो गए, देखिएगा आपको भी कोई ट्रोल ना करने लगे। प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हम यूट्यूबर हैं। स्टार को ही ये तो यूट्यूबर है तो कह रहे ते स्टारे है इस, ते गायके है इस, हम यूट्यूबर नु, हमार प्रधानमंत्री भी यूट्यूबर है, आ हमनीय के बानी सन कि तोर न्यूज तोर गाना तोर चीज पब्लिक ले पहुंचाओ तरी सन, न तो तोर सकल तोर मेहरारू देखे के ना चाहत हो। खेसारी जी के लेकर के काफी जो चल रहा था कि ग्लोबल म्यूजिक से ही गाने आएंगे अब, लेकिन खेसारी वर्ल्ड से गाना भैया आया कि बिहार में हो, क्या कहेंगे? बहुत शुभकामना बा, हम तो चाहते रहनी है कि गाना खेसारी भाई ग्लोबल के देश, तो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड ऐसा रउरा मालूम हो कि ग्लोबले के कंपनी है, वो करे उ चैनल है ग्लोबल म्यूजिक के, तो खेसारी भाई अगर ये गाना देवे के शुरुआत कर दिले बड़े तो हमनी खातिर बहुत खुशी के बात बा कि खेसारी भाई जल्दी जल्दी गाना दे के एग्रीमेंट से बाहर हो जाए। वे हम पहले कहले रही जमाने में भले बवाल कैल लोग, लेकिन बतिया उहे कहले रही आ वो देखिए सत्य हो गए आ सही हो गए कि ना हमारे बतावा, बाद में कितनों केहू हमार विरोध कर ले, लेकिन बाद में आखिरकार हमार बात सत्य होला। हम कहला ही रहनी कि एग्रीमेंट से निकल जाए, चाहे गाना खेसारी भाई हुआ चाहे तो 10 दिन में निकल जाए, ये गाना अब देता रहे आ बहुत जल्दी अगर दे देता रहे बहुत जल्दी बाहर आ जाइए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और यूट्यूब पे दिखा भी रहे हैं कि अब खेसारी जी का सारा मैटर खत्म हो गया, आजाद हो गया ग्लोबल। अभी अभी मैटर खत्म नहीं किया भाई, जब ले जजमेंट ना आ जाओ, जब ले दोनों आदमी आके बोल ना दे कि जैसे जो कोई भी सेटलमेंट होला तो लेटर इशू होला, चाहे दोनों तरफ से प्रवक्ता होले वो आके बोल देवेले, अभी तो ऐसा कोनो मैटर नहीं खेल कोनो साल में। ई यूट्यूब पर अपन व्यू बढ़ावे खातिर अपन ई करे खातिर वो 10 मिनट पहले बोले लसन कि सेटलमेंट हो गया, 10 मिनट बाद एक वीडियो डाले लसन फिर फंस गए, फिर डाले लसन कि भैया का गाना आ रहा है, फिर कहे लसन कि हई हो गया, तो ऊ तो अपन व्यू चलावे खातिर कुछ कुछ बोलत रहे लसन, लेकिन कोनो सेटलमेंट नहीं के भाई को अभी तक तो कोनो मीटिंग नहीं है भाई, मीटिंग भी नहीं। हाँ लेकिन मीटिंग के प्रोसेस बावे, अब तो देखिए में तो राजकुमार जी और खेसारी जी दुई आदमी के आपस के मामला बा, खेसारी भाई आज चाह दे तो आज खत्म हो जाओ, लेकिन खेसारी भाई अगर नहीं चाह तो अब उनकर मामला बा, उनकर मामला में हम पहले ही कह देनी अब ना बोले, तारा लोग जोन करे के बाद कर लो, लेकिन ये अच्छा चीज बा कि खेसारी भाई गाना देवे के शुरू कर दिले, एक मतलब बहुत जल्दी मामला सॉल्व हो जाए। एक बात और मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर बोलते हैं, यूट्यूबर पर कई तरह के क्लेम लगाते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री यूट्यूबर बन गए हैं, सबसे बड़ा खुशखबरी है यूट्यूबरों के लिए। भैया क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हम यूट्यूबर है चैनल को। देखिए बहुत फक्र के बात ई बा यूट्यूबर के लेके कि काल एगो ऑनलाइन 4000 यूट्यूबर के लोग से ऑनलाइन मीटिंग रहे मोदी जी के, तो 4000 यूट्यूबरों से वो रूबरू भइले, ओमे रौरा जान के खुशी हुई कि पूर्वांचल से भोजपुरी से बीआईबी विजेंद्र सिंह वो में रहले ऑनलाइन, तो ई कहे तो हम पहला यूट्यूबर है पूर्वांचल के, तो हमारा भी भाई सौभाग्य रहे कि हमारा ओमे ऑनलाइन ही 4000 लोग से मिलने, आ जब पहला बार पहले वर्ड कहले कि मोदी जी जैसन आदमी, प्रधानमंत्री जैसन आदमी जब कहले कि हम यूट्यूबर के भांति आए हैं, तो फक्र भइल कि जे यूट्यूबर के तुच्छ जानत रहला, जे यूट्यूबर के कुछ ना जानत रहला, उ आज हमार प्रधानमंत्री कहता कि हम यूट्यूबर हैं, कितना फक्र के बात। लोग कहते ला कि यूट्यूबर लोग यही वीडियो बनावे से कहने के लिए कोनो काम नहीं है, फैलू नहीं था पता है, अगर नहीं सोचे के चाहिए नहीं जाने पे स्टार लोग के पास हम जाते भी थे, चाहे कोई लगे थे यूट्यूबर है ये, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल दिए कि हम भी यूट्यूबर है। आज से रउरा कहीं जाए ना कोनो स्टार को ही ये तो यूट्यूबर है तो कह रहे ते स्टारे है इस, ते गायके है इस, हम यूट्यूबर नु, हमार प्रधानमंत्री भी यूट्यूबर है, आ हमनीय के बानी सन कि तोर न्यूज तोर गाना तोर चीज पब्लिक ले पहुंचाओ तरी सन, न तो तोर सकल तोर मेहरारू देखे के ना चाहत हो, ते स्टार बाद में हो गए, तोर सकल अगर हमनी के ना देखाई सनु तो केहू ना होई। आ देखिए ये कुछ लोग हैं अपने बिहार में या भोजपुरी में, बाहर बाहर आप
वीजा अप्लाई करिएगा ना, अगर वहाँ यूट्यूबर और ब्लॉगर लिखिएगा ना, एक दिन में आपको वीजा मिलेगा। मेरा मिलता है, इसका प्रूफ है, तीन बार हमको मिल गया। एक दिन में ब्लॉगर और यूट्यूबर को मिलता है। दुनिया का कोनो कोना में जाइए, कोई अगर आपसे रोकता है और पूछिए तो कहिए कि हम ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इतना रेस्पेक्ट मिलेगा। स्टार का रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, बड़े बड़े स्टार घूमते हैं, नहीं मिलता है। यूट्यूबर का आज के डेट में दुनिया में मिलता है। G20 सबमिट भइल नु, सबसे ज्यादा यूट्यूबर को जी बोलावल गई रहे। यूट्यूबर अपन दिखावत रहे। आज देखिए बड़ा बड़ा नेता होता रहे, यूट्यूबर वो जी खड़ा रहता रहे। बड़ा बड़ा सबमिट वर्ल्ड लेवल पर होता, वहां यूट्यूबर के बोलावल जाता। कहते हर यूट्यूबर के पास अपना 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख फॉलोअर है, उसका अपना फॉलोअर है। वीआईबी विजेंद्र सिंह के पास अगर 11 लाख फॉलोअर है एज ए यूट्यूबर ब्लॉगर, तो वीआईबी विजेंद्र सिंह को चाहने वाला है, वो दूसरे को चाहने वाला नहीं है। विजेंद्र सिंह का गाना सुनकर नहीं आया कि कल गाना खराब गाएगा तो नहीं आएगा, वो हमको ही जानता है। इसलिए यूट्यूबर का इज्जत है, इसलिए आज यूट्यूबर को लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं। और आज मोदी जी कहना पड़ा कि हम भी यूट्यूबर हैं, और जब लास्ट में बोले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तो हमने के तो आज 8 साल से कहते नहीं सर, अब तो फक्र हो गए कि चलो मोदियो जी कहे लगले कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छा भैया, हमनी के ही देखल जाओ तो लोग बहुत सारे लोग बोलते थे कि यूट्यूबर है कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम जैसे यूट्यूबर के विदेश से पैसा लेते हैं, डॉलर में पैसा लेते हैं, आके हम भी तो भागीदारी बनते हैं, टैक्स देते हैं यहाँ पे हर चीज। जी आज हमारा सरकार डिजिटल, जैसे इंडिया हो रहा है डिजिटल इंडिया में, सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट आपको यूट्यूबरों को मिल रहा है। कारण क्या है कि हम लोग अपना चीज यहाँ दिखाकर, अपने इंडिया के चीज को, अपने गांव के लोग को, अपना यहाँ के पॉजिटिव चीज को दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, और प्रचार करके हम लोग वहां से डॉलर अपने इंडिया में मंगा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा यूट्यूबर इंडिया में है। एक मतलब अगर हमारा $1,000 आता है तो हमारे जैसे 1 लाख लोग हैं, किसी का तो 1-1 लाख डॉलर आता होगा, उतना पैसा हमारे यहाँ पर इंडिया सरकार में आ रहा है, तो हमारा देश उत्थान कर रहा है। इसलिए आज मोदी जी को कहना पड़ा कि हम यूट्यूबर हैं, क्योंकि यूट्यूबर आज देश के जो तीसरा इकोनॉमी बनने जा रहा है उसमें बहुत बड़ा भागीदारी है। और आप अपने को फक्र मनाइए कि आप अमेरिका को भी टैक्स देते हैं, इंडिया सरकार को भी टैक्स देते हैं, और वो टैक्स देने के बाद आप टैक्स के पैसा से जीते हैं, इसीलिए आप इज्जती हैं। और दूसरे वाला कहने, वो तो खुद इंडिया का भी टैक्स नहीं भरता होगा जो आपका आलोचना करता है। आप तो दूसरी जगह टैक्स भरते हैं महाराज, 15% आप यूट्यूब को देते हैं टैक्स, उसके बाद यहाँ आकर अगर 10 लाख 20 लाख से ऊपर है तो 20% इंडिया को देते हैं, कम है तो 35% आप टैक्स दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ वीआईपी विजेंद्र सिंह थे, जो कि काफी अपनी बात को बेबाकी से हर बात को रखते हैं, आज जो भी ये बोलते हैं तो विवाद बहुत ज्यादा हो जाता है। आज यूट्यूबर, इसके लिए मोदी जी को भी सलूट है मेरे तरफ से, जो कि इतना सम्मान दिए यूट्यूबर के लिए। और मोदी जी आप भी यूट्यूबर में हो गए, देखिएगा आपको भी कोई ट्रोल ना करने लगे। तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि हमारी बातचीत, हमारी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। मोदी जी कहिए देला कि बेल आइकन दबा दीजिए, तो इस चैनल का भी बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।